पर्चा रिजेक्ट हुआ है, खारिज हुआ है, उसके बारे में बताएँ कितने पर्चे खारिज हुआ है। देखिए 25 बरेली लोकसभा क्षेत्र के लिए दिनांक 12 अप्रैल से 19 अप्रैल तक टोटल 28 कैंडिडेट द्वारा 42 नामांकन पत्र जारी किए गए थे, जिसमें आज दिनांक 20 अप्रैल को स्क्रूटनी की प्रक्रिया की गई और स्क्रूटनी के दौरान कुल 42 नामांकन पत्र में से 27 नामांकन पत्र विधिमान्य थे, जिनको कि स्वीकृत किया गया, और 15 नामांकन पत्र माननीय निर्वाचन आयोग द्वारा दिए गए निर्देश के दायरे में विधिमान्य नहीं पाए गए, जिन्हें रद्द किया गया। कुल 28 उम्मीदवार थे, जिनमें कि 14 के नामांकन पत्र विधिमान्य थे, जिन्हें स्वीकृत किया गया, बाकी 14 के नामांकन पत्र विधिमान नहीं थे, उन्हें रद्द किया गया। एक बीएसपी के कैंडिडेट का हुआ है, उन्हें क्या जी, उनका मास्टर छोटेलाल गंगवार जी ने 2 नामांकन पत्र दाखिल किया था, एक 16 अप्रैल को किया था और दूसरा 18 अप्रैल को किया था। देखिए माननीय आयोग का निर्देश है कि जब भी कोई उम्मीदवार नामांकन पत्र दाखिल करते हैं तो उसके बाद एज सून एज पॉसिबल उनका जो एफिडेविट होता है उसको ऑनलाइन किया जाता है इनकोर पोर्टल पे, और अभी आप लोगों ने स्वयं अपने मोबाइल में KYC ऐप डाउनलोड करके देखा कि पहला नामांकन पत्र उन्होंने 16 को दाखिल किया था, उनका एफिडेविट 16 को ही इनकोर पे ऑनलाइन हो गया था, जो कि आप लोगों को KYC ऐप पे दिख रहा है। दूसरा नामांकन पत्र उन्होंने 18 अप्रैल को दाखिल किया था, उसका भी एफिडेविट हमने 18 को ही ऑनलाइन कर दिया था, जो कि आप लोगों ने देखा। इस संबंध में माननीय आयोग का निर्देश है कि एफिडेविट का कोई भी कॉलम ब्लैंक नहीं होना चाहिए। अगर किसी उम्मीदवार को क्या भरना है उसका पता नहीं है तो नॉट अप्लीकेबल, नॉट नोन या निल लिखा जा सकता है, परंतु मैंने आपको दोनों ही एफिडेविट में अभी आप लोगों ने स्वयं देखा कि कुछ कॉलम ब्लैंक थे, अतः माननीय आयोग के निर्देशानुसार जो है उनका नामांकन पत्र विधिमान्य नहीं था, इसलिए रद्द किया गया है। ठीक है।